दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। कसौली स्थित सीआरआई में पैसे के दम पर नौकरी देने के मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। बुधवार को कसौली के एक निजी संस्थान में एमटीएस के 156 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। इस भर्ती में फिर से स्थानीय बेरोजगारों ने 13,000 रुपए के बदले नौकरी की बात कही। उन्होंने फिर से पैसे मांगने और इस मामले में स्थानीय लोगों की संलिप्तता की भी बात कही। युवाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उनसे कहा गया कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो अपने घर जाओ, क्योंकि पैसे देने वाले बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं। उन्होंने इस बारे में उपमंडल अधिकारी कसौली धनबीर सिंह ठाकुर को एक शिकायत पत्र सौंपते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एसडीएम कसौली ने बताया कि उनके पास लगभग 80 युवाओं ने इस नियुक्ति प्रक्रिया पर पैसे लेकर धांधली के आरोप की शिकायत दर्ज करवाई है। इस बारे में उन्होंने लखनऊ के रहने वाले ठेकेदार से दूरभाष द्वारा बात की तो उसने सारे आरोपों का खंडन किया है। फिर भी शिकायत छानबीन के लिए पुलिस थाना कसौली को भेज दी गई है। आगे तक पहुंचा तब तो फायदा है, कुछ नहीं होगा, यही तक रहती है। जो एप्लीकेशन लिखी ना उसकी वीडियो। नमस्कार जी, आज हम एकत्रित हुए हैं कसौली में एसडीएम सर के ऑफिस के आगे। और जैसा कि आपको पिछली दफ़ा भी बताया गया था कि जो यहाँ पे एमटीएस की भर्ती चल रही है सीआरआई में, उसके प्रति जो ठेकेदार द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं वो थे 40,000। अभी हमें नहीं मालूम है कि वो कितने पैसे ले रहे हैं। अभी 13,000 पे बोल रहा है वो कि इतने हमने लेने हैं। तो आज हम सर के पास आए हैं, एसडीएम सर के पास। हमने अपना जो एप्लीकेशन है, कंप्लेंट है, वो सर को सबमिट कर दिया है और सर को बोला है कि इसके यानी जो भी है हमारे फेवर में सर काम होना चाहिए और जो भी गलत है नजायज ना हो, ठेकेदार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, जिस चीज के लिए हम यहाँ एसडीएम ऑफिस में आए हैं उसका हमें न्याय मिलना चाहिए, ना किसी की नौकरी जानी चाहिए। और हम इसी उससे लक्ष्य से इधर आए हैं कि हमारी नौकरी भी ना जाए और इस जो कंप्लेंट पे इसके ऊपर कार्रवाई हो, इस जो भ्रष्टाचार है इसको खत्म किया जाए। और ये भ्रष्टाचार किसके शासनकाल में हो रहा है और क्यों हो रहा है? मोदी जी बोलते हैं कि मेरे शासन में भ्रष्टाचार नहीं होगा, पर हो रहा है हमारे साथ हो रहा है। तभी हम इधर बारिश में खड़े हैं और यहाँ आए हैं कंप्लेंट लेके। आज आप लोग इंटरव्यू देने के लिए कहाँ पर गए थे और आपसे कितने पैसों की डिमांड की गई? सर, आर मैडन में ऊपर हम गए थे, हमारे को बुलाया गया था, पर कोई और ही वहाँ आए थे, ठेकेदार तो वहाँ आया नहीं, पर उसने कोई अपने आदमी भेजे हुए थे। कितने पैसों की डिमांड की गई? सर, उन्होंने कहा कि हमें मतलब 13,000 पर 13,000 प्रति व्यक्ति आप दीजिएगा और आप नौकरी पे नियुक्त किए जाते हैं। और ठेकेदार का कोई आदमी भी नहीं आया, वो सारे लोकल जो भी थे इन्वॉल्वमेंट्स हैं। अब हम नाम नहीं करना चाहते, वो हमें सर के आगे ऑलरेडी एप्लीकेशन में इन्फॉर्म कर दिया है, सर को मेंशन कर दिया है। लोकल आदमी हैं, वो बीच में इंटरप्शन कर रहे हैं एंड वी डोंट एनी इंटरप्शन फ्रॉम दोज गाइज। हम चाहते हैं कि सीआरआई और जो ठेकेदार हैं और जो हम एमटीएस हैं, इनके बीच में ये जो भी बातचीत है वो बाहर का आदमी कोई इन्वॉल्व ना ले। और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि जो पैसे देगा उसको नौकरी मिलेगी और जो नहीं देगा, हमारे साथ लाइन में 40,000 वाले हैं, हम उनको लेंगे अंदर, पुराने बंदों को रखेंगे नहीं अगर पैसा नहीं दिया जाएगा। सैलरी हमें 11,000 दे रहे हैं महीना और हमारे से 40,000 मांग रहे हैं, तो साहब आप बताइए कहाँ का न्याय इंसाफ है कि हम 11,000 प्रति महीने लें और 40,000 उनको स्टार्टिंग में दें। हमारी लड़ाई ये है कि भ्रष्टाचारी को बंद किया जाए, ये शोषण जो है बंद, ये ठेकेदारी प्रथा ही बंद हो जाए। क्यों रखा हुआ ठेकेदार को बीच में, क्यों इन्वॉल्व कर रहे ठेकेदार को? काम तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो खुद अपने जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद रिक्रूट कर रहे हैं। दे डोंट वांट कि अपना किसी बाहर के जो ठेकेदार है उसे इन्वॉल्व करें बीच में। नौकरी रखने के लिए सर सीआरआई में एमटीएस रखे जाते हैं सर हर साल 156 बच्चे, तो उन बच्चों से आज डिमांड की गई थी सर 13,000 रुपए के लिए, उसके बारे में हमें बताएं। आज मुझे जो है लगभग 40-50 बच्चे जो हैं यहाँ मिले और उन्होंने ये अपना लगाया ब्लेम लगाया कि सीआरआई में कुछ लोग जो हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, वो हमारे से 13,000 रुपये जो है उसके लिए मांग रहे हैं। इस मामले में मैंने उनसे नंबर टेलीफोन का लिया और जिनको ये ठेका पोर्टल के माध्यम से मिला है, मिस्टर सर्द से मेरी टेलीफोन पे बात हुई, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, उसने इस बात को डिनाई किया है कि हम कोई भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। और मुझे उन्हीं के एक किसी करण नाम के व्यक्ति का भी फ़ोन आया था एंड ही आल्सो रिफ्यूज्ड। हालांकि मैंने इस मामले के लिए लोकल पुलिस थाना कसौली को छानबीन के लिख दिया है और कॉपी डायरेक्टर साहिबा को भी कर दी है कि
इसके की छानबीन की जाए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर इस तरह का कोई भी दोषी पाया गया और ये प्रूफ हो गया कि पैसे मांगे जाएंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कसौली से नितिन साहू की रिपोर्ट। प्रदेश के प्रतिष्ठित आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत हर 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एस्प्रेसो कार सहित लाखों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का अवसर होगा। इसके अलावा ग्राहकों को हर खरीद पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स प्रबंधन कुलभूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना में पहला इनाम मारुति एस्प्रेसो कार है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटायर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप, पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे, किसी भी तरह के आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा। नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर्स से खरीदे आभूषण, जीते उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर्स सोलन।